वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, वीडियो क्लिप देख के आप समझ तो गए होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चना चाट और दही की चटनी। तो सबसे पहले दही की चटनी बनाएंगे और फिर कटिंग स्टार्ट करते हैं। चीज़ों की कटिंग हो रही है, आलू छिल रहे हैं और दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं वो मैं काट रही हूँ। अब प्याज काटेंगे, एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक बारीक काट लेना है। प्याज कट गए, अब आलू काटेंगे। आधा किलो आलू लिए मैंने, इनको उबाल लिया था। इस तरह आलू काट लेने हैं। आलू कट गए, चने 1 पाव चने लिए उबले ये, और बाकी सारी चीज़ें कट गई है। धनिया 2 साबुत, ऑल इंग्रेडिएंट इज ओके। सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब मुश्किल काम ख़त्म। अब आसान काम है यही कि बस सारी चीज़ों को कर देना है मिक्स और इसके बाद मसाले शामिल कर देने हैं। तो सबसे पहले उबले हुए चने में हम आलू शामिल करेंगे। आलू शामिल करने के बाद प्याज शामिल करेंगे। प्याज ऐड कर लिए हैं, अब शामिल करेंगे धनिया, टमाटर और सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्चें मैंने धो ली थी। और इसके बाद शामिल करेंगे मसाले। चाट मसाला 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है चम्मच की मदद से। तो बस चाट जो है वो तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम इसे डिश आउट करते हैं, चटनी के साथ पेश करते हैं और आपको दिखाते हैं।